हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। हम लोग देख रहे थे राइट्स ऑफ एजेंट, और राइट्स ऑफ एजेंट में हम लोगों ने ऑलरेडी जो राइट्स हैं दिए हुए एजेंट को, उसमें राइट टू रेमुनरेशन, राइट टू रिटेन मनी, राइट टू इंडेमनिटी एंड राइट टू कंपनसेशन, इसको पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब हमारा एक राइट है राइट टू लियन, मतलब धारणा अधिकार। ये क्या है धारणा अधिकार, राइट टू लियन? राइट्स ऑफ एजेंट में राइट ऑफ लियन एजेंट्स का एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है, जिसको भारतीय संविधान अधिनियम के सेक्शन 221 221 में बताया गया है। देखिए, अगर किसी एजेंट को उसका पारिश्रमिक या उसने जो व्यय किया है उसको अगर नहीं मिलता है, तो वो क्या कर सकता है? वो मालिक की संपत्ति, चाहे वो चल हो या अचल हो, मूवेबल हो या इमूवेबल हो, माल हो या कागजात हो, उसको धारणा अधिकार के प्रयोग में रोक सकता है। तो राइट्स ऑफ लियन का, धारणा अधिकार का अधिकार एजेंट को मिला हुआ है। अगर हम सेक्शन 221 पढ़ें, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 221, इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी, एजेंट्स रिटेन गुड्स, पेपर्स एंड अदर प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो और इमूवेबल हो, अनटिल द अमाउंट ड्यू फॉर कमीशन, ये क्या कर सकता है? डिसबर्समेंट्स के लिए, सर्विसेज के लिए या अकाउंट लेखा, जब तक उसको बता नहीं दिया जाए, लेखा अकाउंट सेटल नहीं कर दिया जाए, तब तक वो धारणा अधिकार कर सकता है, राइट्स ऑफ लियन का अधिकार है। एग्जैक्ट अगर सेक्शन 221 पढ़ें तो वो कहता है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी, एन एजेंट इज इंटाइटल्ड टू रिटेन गुड्स, पेपर्स एंड अदर प्रॉपर्टी, वेदर मूवेबल और इमूवेबल, ऑफ द प्रिंसिपल रिसीव्ड बाई हिम, अनटिल द अमाउंट ड्यू टू हिमसेल्फ फॉर कमीशन, डिसबर्समेंट्स एंड सर्विसेस इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेम हैज बीन पेड और अकाउंटेड फॉर टू हिम। मतलब तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में, अगर वैसी कोई संविदा नहीं है कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, अभिकर्ता को यह हक है कि उसे प्राप्त संपत्ति का माल, कागज पत्र और अन्य संपत्ति, चाहे वो जंगम हो या स्थावर हो, तब तक प्रतिधारित किए रहे जब तक उसे तत्संबंधी कमीशन, संवितरणों और सेवाओं की बाबद शुद्ध रकम दे न दी जाए या उसका लेखा समझा न दिया जावे। मतलब अगर कोई संविदा उस तरह की नहीं है, एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी, मतलब संविदा उस तरह की नहीं है कि भाई आप धारणा अधिकार नहीं कर सकते हैं एजेंसी के टर्म एंड कंडीशंस में जिस समय एजेंसी क्रिएट की जा रही है, तो ऐसी स्थिति में एजेंट को यह अधिकार होगा कि वो अपने मालिक के जो गुड्स, उसके पेपर्स या कोई अदर प्रॉपर्टी, चाहे वो ऐसी प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, और उसको तब तक रोक के रख सकता है जब तक उसका जो अमाउंट है, उसका जो डिसबर्समेंट नहीं हो जाता, उसका कमीशन नहीं मिल जाता, उसके सेवा के जो सेवाओं का जो पैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिल जाता, या उसके अकाउंट्स को उसको समझा नहीं दिया जाता, सेटल नहीं कर दिया जाता, तब तक वो ये रोक सकता है। हम लोगों ने इसके पहले देखा था कि रिटेन जो इसके अधिकार थे, धन को रोकने का अधिकार था, लेकिन इसके अलावा ये भी एक अधिकार है, वो संपत्ति को भी रोक सकता है, उसकी संपत्ति को भी रोक सकता है। लेकिन अभिकरण का, जो एजेंसी का कारोबार है, उसको एक उचित ढंग से करते हुए उसको खर्चा पाने का अधिकार है, और जिस संपत्ति का धारणा अधिकार होना है वह मालिक की होनी चाहिए। जो संपत्ति जिसको वो रोकेगा वो किसकी होनी चाहिए? वो मालिक की संपत्ति होनी चाहिए, और वो संपत्ति उसे एजेंसी के दौरान, एजेंसी के काम में मिलना चाहिए। मतलब जिस काम की उसको वो एजेंसी कर रहा है, जिस काम के लिए वो एजेंट है, जो कार्य दिया गया है, उसके दौरान वो संपत्ति मिला हुआ होना चाहिए, ना कि कोई अन्य संपत्ति। मालिक की किसी अन्य संपत्ति को वो नहीं रोक सकता है, वो उसी संपत्ति को रोक सकता है जो संपत्ति उसको एजेंसी के दौरान प्राप्त हुई है।
या उसी संपत्ति को रोक सकता है जिसके बदले में उसको कमीशन प्राप्त करना है। क्यों? क्योंकि वो केवल विशिष्ट धारणा अधिकार रखता है। विशिष्ट धारणा अधिकार मतलब उसी संपत्ति को रोक सकता है जिस संपत्ति के लिए उसको कमीशन प्राप्त करना है। आधिपत जो धारणा अधिकार है, जो कब्जा है संपत्ति का, वो क्या होना चाहिए? विधिक होना चाहिए, इलीगल रूप से नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसी संपत्ति जिसको मालिक के सहमति के बिना, मालिक के ज्ञान के बिना कपट से, फ्रॉड करके या मिस रिप्रेजेंटेशन दे करके प्राप्त कर लिया है, तो फिर वहाँ पे उसके धारणा अधिकार का अधिकार खत्म हो जाएगा। वैसी संपत्ति का वो धारणा अधिकार एजेंट नहीं कर सकता। तो कुछ कंडीशंस भी हैं धारणा अधिकार के। धारणा अधिकार के ये कंडीशन है कि आप धारणा अधिकार तो कर सकते हैं, लेकिन धारणा अधिकार आप क्या वैसी संपत्ति का कर सकते हैं जिस संपत्ति के लिए आपका कमीशन प्राप्त करना है। जैसे आपको कुछ कपड़े दिए गए बेचने के लिए, इसके लिए आप एजेंट हैं, और आपने वो कपड़ा बेचा और कुछ कपड़े बचे हुए हैं, तो जितना कपड़ा आपने बेचा है उसके कमीशन के लिए आप चूंकि उसी बचे हुए कपड़े को धारणा अधिकार कर सकते हैं, या कपड़े को बेचने के लिए आपको कोई गाड़ी भी दी गई है उसी काम के लिए, तो उसको आप रोक सकते हैं उसके कमीशन के लिए। लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन करके, मिथ्या वर्णन करके आपने कोई चीज़ अगर प्राप्त कर ली है मालिक से, तो आप उसको नहीं रोक सकते हैं, या फिर मालिक की संपत्ति ही रोक सकते हैं, किसी अन्य की संपत्ति को नहीं रोक सकते। दूसरा क्या है? इफेक्ट ऑफ लियन, धारणा अधिकार का प्रभाव क्या होता है? देखिए, धारणा अधिकार का अधिकार सीमित होता है। एक केस है गोपाल दास वर्सेस ठाकुर दास का। गोपाल दास वर्सेस ठाकुर दास के मामले में कहा गया कि धारणा अधिकार जो लियन का अधिकार है वो क्या होता है? वो सीमित अधिकार होता है। एजेंट संपत्ति को इसमें बेच नहीं सकता या गिरवी नहीं रख सकता, उसको रोक के रख सकता है जब तक उसका मूल्य, उसका कमीशन, हाँ, या उसका डिसबर्समेंट ना हो जाए, उसका अकाउंट सेटल नहीं कर दिया जाए, तब तक उस संपत्ति को रोक के रख सकता है, अपने कब्जे में ले आप उसको रख सकता है, उसको बैठ सकता है, लेकिन उसको बेच नहीं सकता है, उसको गिरवी नहीं कर सकता है किसी जगह पे। लेकिन अगर मालिक के साथ वैसी कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कि जो एजेंट है वो बेली भी हो जाता है। बेली कब होता है? बेलमेंट के केस में आपने देखा है, बेलर एंड बेली। बेलमेंट क्या है? बेलमेंट क्या होता है? बेलमेंट में जब हम अपने किसी गुड्स को ट्रांसफ़र करते हैं, गुड्स का पोजीशन ट्रांसफ़र करते हैं किसी दूसरे व्यक्ति के पास, तो वो बेली हो जाता है फॉर सम पर्पस, एंड विद पर्पस कंप्लीटेड बेली रिटर्न्स द गुड। जब पर्पस कंप्लीट हो जाता है तो वो फूड गुड्स आपको रिटर्न कर देता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एजेंट बेली का भी रूप ले लेता है किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत, तो फिर उस बेली की हैसियत से वहाँ के जो लॉ है उसके अनुसार से वो यहाँ पे है कि मालिक को उचित नोटिस दे करके कि उसको भाई नोटिस देना है, और नोटिस देके अपना भुगतान प्राप्त करने के लिए बेली वाला संपत्ति को बेच सकता है। ये गोपाल दास वर्सेस ठाकुर दास में कहा गया। अब एजेंट है, एजेंट के आगे कौन है? प्रिंसिपल है, लेकिन कोई थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के प्रति, जो तीसरे व्यक्ति हैं उसके प्रति, या और भी कोई व्यक्ति है जिस पर जिसका इस संपत्ति जो है, जो प्रॉपर्टी जिसको रोक के रखा हुआ है, उसके प्रति अगर संपत्ति का अधिकार पहले से बना हुआ है, तो क्या होगा धारणा अधिकार का? मतलब अगर कोई एजेंट ने अगर कोई ऐसी संपत्ति अपने कब्जे में ले ली है, ऐसे संपत्ति पे अपना धारणा अधिकार दिखा दिया है जिस संपत्ति पर किसी तीसरे व्यक्ति का कुछ अधिकार पहले से है या उसमें कुछ हक है, तो वैसा धारणा अधिकार उस तीसरे व्यक्ति के हक के अधीन होगा। मतलब उस तीसरा व्यक्ति के जो राइट्स है वो राइट होंगे, आपको वही राइट मिलेगा जो तीसरे व्यक्ति के लेने के बाद बचा हुआ है, या जो टर्म एंड कंडीशन है वो सेटलमेंट के बाद ही आपका धारणा अधिकार रहेगा, उस तीसरे व्यक्ति के राइट को आप ओवररूल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने धारणा अधिकार कर लिया है
उसके बाद मालिक ने उस संपत्ति पे तीसरे व्यक्ति को कोई राइट दे दिया है, तो वैसी स्थिति में आपका राइट, मतलब एजेंट एजेंट का राइट पहले आएगा, और ऐसा जो भार हो जाएगा, ऐसा जो तीसरे व्यक्ति को अधिकार होगा, वो क्या होगा, वो आपके अधिकार के बाद होगा अगर वो सद्भावपूर्ण है। तो मालिक का धारणाधिकार उत्पन्न हो जाता है एक बार, तो उस संपत्ति भारित कर दिया, एक बार धारणाधिकार उत्पन्न हो गया और मालिक ने उस संपत्ति को क्या किया, कहीं भारित कर दिया, तो ऐसा भार क्या होगा, धारणाधिकार के अधीन होगा। तीसरा है एक चीज की एंड ऑफ लियन, धारणाधिकार समाप्त कब होता है, तो लियन क्या है, एक आधिपत्य अधिकार है, मतलब आपने अगर उस संपत्ति को अपने अधिकार में, आधिपत्य में लिया हुआ है, तो आपका अधिकार बना हुआ है, आपका धारण किया हुआ है, आपने अधिकार बना हुआ है। लेकिन एक बार आपने अगर संपत्ति छोड़ दिया, जिस एजेंट ने अगर वो प्रॉपर्टी, वो जो संपत्ति, जो मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को अपने धारणा अधिकार में ले लिया, एक बार उसको छोड़ दिया, तो फिर वो पुनः उसको अपने अधिकार में नहीं ले सकता है और वो समाप्त हो जाएगा। जैसे आपने कोई संपत्ति को अपने अधिकार में लिया हुआ है और आपने उसको क्या किया, उस संपत्ति को कहा कि चलो हटाओ छोड़ो, मालिक को वापस करते हैं, आपके मन में आया कौन पकड़ के रखता है संपत्ति, और आपने उस संपत्ति को मालिक को देने के लिए किसी गाड़ी पे, आपने वाहन पे उसको दे दिया कि भाई ले जाओ, और फिर जब वो वाहन पे वो संपत्ति रख के चलने को हुआ, आपके मन में आया कि नहीं अब मैं फिर इसको धारणा अधिकार लेता हूँ, तो आप नहीं कर सकते, एक बार आपने संपत्ति छोड़ दी तो आपका धारणा अधिकार का समाप्त हो गया, अधिकार समाप्त हो गया। हाँ, अगर एजेंट से वो संपत्ति फ्रॉड से या इलीगल तरीके से वापस ले लिया जाए, छुड़ा लिया जाए, तो धारणा अधिकार का जो अधिकार है वो बना रहता है, वो समाप्त नहीं होता है। दूसरा, अगर अभिकर्ता अपने धारणा अधिकार को स्वयं त्याग दे, और ये त्याग वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत करे, मालिक के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ले कि भाई चलो, या तो कॉन्ट्रैक्ट आप स्पष्ट रूप से कर ले, इम्प्लाइड कर ले, या विवक्षित अनुबंध कर ले, आपके कार्य से ऐसा लग रहा हो कि आपने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि धारणा अधिकार आप छोड़ रहे हैं, या कुछ इस तरीके का कंडक्ट कर रहे हैं कि आपको लगता है कि आप अधिकार छोड़ रहे हो, तो वैसी स्थिति में धारणा अधिकार का अधिकार छोड़ जाता है, और एक बार उसको आपने छोड़ दिया तो फिर धारणा अधिकार पुनः प्राप्त उस संपत्ति पे नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, संविदा द्वारा अधिकार समाप्त किया जा सकता है, धारणा अधिकार समाप्त किया जा सकता है। तो इस तरीके से प्रत्येक जो एजेंट को धारणा अधिकार का अधिकार भी प्राप्त है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 221। सेक्शन 221 स्पष्ट रूप से कहता है मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। तो ये था धारणा अधिकार, और इस प्रकार से हम लोगों ने राइट्स ऑफ एजेंट देखें कि राइट टू लियन क्या है, और ये राइट्स हम लोगों ने देखा कि राइट टू रेम्यूनरेशन, राइट टू रिटेन मनी, राइट टू लियन, राइट टू इन्वेंटी, राइट टू कंपनसेशन। तो हमने राइट्स ऑफ एजेंट्स के ये जो पांचों राइट्स हैं, जिसको हम लोग ऑलरेडी अब कंप्लीट करते हैं, हम लोगों ने इसको ऑलरेडी पूरा देख लिया। तो इस राइट्स ऑफ एजेंट ये आपका पूरा हुआ। अगला जो टॉपिक है, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच।